ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, शांत हो जाइए, खेल में थोड़ा बहुत होता ही है। संचालक महोदय नहीं, भेंटियर भाई लोग बहुत जाए वहां पर, भेंटियर भाई लोग गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अमन खजामा। तो आज और आज हम लोग आए हैं सुमंडी खेलने। और ये डोमन देखिए कैसे गाली दे रहा है, गंदा गंदा 400 एकदम फैला है। तो हम लोग आए हैं सुमंडी खेलने और देख सकते हैं यहाँ का सीन कितना अच्छा है। तो हम लोग का फर्स्ट मैच है और हम लोग को कैसे भी करके आज हम लोग को फाइनल जीतना होगा और पूरा मेहनत करना होगा। तो बने रहिए व्लॉग पे, आगे क्या क्या होता है आप लोग को दिखाते हैं। तो फर्स्ट मैच हम लोग विन किए हैं और आठ टीम का गेम है। तो अभी सेकेंड मैच सेमीफाइनल राउंड जो राउंड होगा तो हम लोग खेलेंगे और ट्राई रहे कि वो मैच भी जीते और फाइनल छोड़े। और अभी आए हम लोग हल्का में खाना खा लेते हैं। हटा करके सुरक्षित कर देंगे। हमारे पुरुष वर्ग के दर्शक भाई मंच के दाहिने ओर जो स्थान बनाया गया है आप लोग अपनी इच्छा से उसको खाली कर दें। कहे कि आप लोग तो बहुत दूर दूर तक तो जा सकते हैं लेकिन महिला गृहिणी है इसलिए कहीं जाने में असमर्थता होती है, इसलिए आप लोग उनको भी देखने का मौका दें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि फुटबॉल मैच कैसा होता है, किस तरह से होता है। आजकल सरकार भी उन लोगों को प्राथमिकता दे रही है इसलिए आप लोग अपनी इच्छा से उस जगह को छोड़ दें। हेलो, मेला प्रेमियों को मैं एक बार हलचल की सुगबुगाहट की शांति अवस्था में मैं एक बार इस गंगा मेला के बारे में जानकारी दे दूं। वर्ष 1992 में यह मैदान बनकर तैयार हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा बैलगाड़ियों से मिट्टी ला करके तकरीबन 32,000 बैलगाड़ी मिट्टी लाया गया है और इस मैदान को बनाया गया है। हमारे पूर्वज बड़े बुजुर्ग जिन्होंने यह प्रयास किया उनका यह प्रयास आज रंग ला रहा है, वर्ष की ओर अग्रसर हो चुकी है। हमें लगता है एक दिन यह झारखंड का सुप्रसिद्ध मेला होने के कगार पर पहुंच चुका है। अगर आप लोगों का साथ रहे तो मेला हम लोगों ने स्थान चयन किया है दोस्तों, और मेला तो आप लोगों ने लगाया है, केवल हम लोगों ने स्थान का चयन किया है। कौन दर्शक भाई है वहां अपने इच्छा से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। अब देख देख मैं रिवर्स में चल जाओ, रिवर्स में चल जाओ, उसको पकड़ के निकालो।
इस खेल के तुरंत बाद ग्रेट लायन क्लब तुंजू वर्सेस यंग स्टार क्लब पोराडी, दोनों ही टीम के टीम मैनेजर से आग्रह है कि आप अपने खिलाड़ियों को मैदान में प्रवेश कराने का कष्ट करेंगे। और धन्यवाद सभी, दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान में अपनी पाव जमा चुके हैं और देखते हैं काबिलियत किसमें है। हम लोग सेमीफाइनल का मैच पेनल्टी में विन किए और अभी फाइनल चल चुके हैं। तो अभी वाह क्या मुस्कुराहट है, खिलाड़ियों के साथ मैच होगा, बहुत ही टफ मैच होगा, तो मजा आएगा। और अभी हम लोग का जस्ट मैच है तो आके आप लोग को मैच का रिजल्ट बताएंगे क्या हुआ। Thank you.
कर कर क्या हुआ? तो देख सकते हैं कितना भीड़ है पूरा ग्राउंड में। एक तो मानना तुरंत हो जाएगा। मार मार निगरो मार एक टेक तो मार, कोई नहीं देख रहा है। लाकर लक्ष्मण शास्त्री तो मंच के बाएं साइड में नीचे चल जाए तो साथ ही हॉर्मोन खोज बाजा ऑपरेटर आप यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करेंगे। मैदान शोर की ओर लाइट की व्यवस्था करेंगे। बस दर्शक दौड़ के ना
आठ मीटर शाम होता नहीं दिखता ना तो पहुँच जाता है। हम सीधा गाड़ी में जाके ये सब रेडी करेंगे। तभी से आपको पढ़ा जा रहा है कि व्यवस्था करें मैदान परिसर की ओर प्लान रखना पड़ेगा। मंच के आगे पोर्शन में लाइट की व्यवस्था करेंगे। बाजा ऑपरेटर, बाजा ऑपरेटर मंच के आगे पोर्शन में लाइट की व्यवस्था करेंगे जितनी जल्दी हो सके। मंच के आगे खड़े बाबू एक लाख लगी यहाँ पर प्राइज वगैरह वितरण कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर एक लाख लगाई मंच के सामने बीच बीच। गुंदी अब आया, उसको बढ़ा के क्या होगा समय हो गया अब इधर। ओ रेंचो का बहुत ही खराब सोच, बंडा मुंडा टीम का रेंचो जो काफी प्रसिद्ध और बहुत ही नामचीन प्लेयर है बाहर में तो। और अभी शॉट लेने के लिए आए फिरदौस खान और सेव करने आए मिस्टर विक्की जो बंडा मुंडा टीम के कीपर है विक्की। और फिरदौस खान टाटा स्टील प्लेयर आप लोग जानते हैं कि कल ही एक इंटर स्टील टूर्नामेंट विन करके आया हुआ है बोकारो से। फिरदौस खान ताबड़तोड़ शूटर और थोड़ा सा अंधेरा हो गया भाई लाइट का प्रॉब्लम। और ये बहुत ही सुंदर शॉट फिरदौस खान का। आप लोग और अभी शॉट लेना है शायद दिलीप खुल्लो समय पर प्राइज दे पाए और मैदान के बाहर नहीं जाएंगे, आराम आराम निकालेंगे, ज्यादा कोई हेल्प हमारे पास की ओर आराम से आगे आएंगे और हमारे आगे तो लोगों के द्वारा आपको प्राइज दिया जाएगा। इसलिए मैं पहले घर में डालेंगे पहले ही रिक्वेस्ट कर देना चाहूंगा कि आप खेल खत्म होने के बाद हमारे पास की ओर दोनों ही टीम चले आएंगे। खाली दोस्तों दोनों कीपर का जर्सी दिख रहा है, बहुत अच्छे शॉट लगाए हैं ये विशाल। शायद अभी शॉट लेने के नहीं नहीं अभी घूम दिया आया शायद नौ नंबर। ओ बाबू था बाबू, हम इसीलिए बैटरी चार्जर पहले खोल लिए हम पता है ना हर बड़ हो जाता है ना लाल।
हालांकि जाना तो देरी है अभी। एडविन तिर्की जो काफ़ी अच्छा मिड भी माना जाता है और फॉरवर्ड भी माना जाता है, और सेव करेंगे मिस्टर बासित बेसरा। जीतू जगह तो पूरा काला ही हो गया मेरा दिख रहा है। दर्शक भाई हूँ हाथ लेके ताली मारेंगे, ताली चलिए कितना जोर से ताली मार सकते हैं हमारे दोनों भी। और यहाँ बंडा मुंडा बिहार तो हम लोग फाइनल में लूज हो गया, फाइनल में सेकंड हुए। और अभी आए हम लोग इधर बिरयानी खाने आलीशान, देख सकते हैं सब पूरा खाने में बिजी है। तो चलिए आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए, देख सकते हैं शोर को।